नमस्कार दोस्तों, यश टेडा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयशा नाम की लड़की 25 फरवरी को आत्महत्या कर ली साबरमती नदी में कूद के। आपको बता दें कि अब आयशा के पति आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आयशा काफी डिप्रेशन में थी। आयशा मरने से पहले एक वीडियो भी बनाई थी, ये वीडियो अपने पति के लिए बनाई थी। उसके पति खुद बोले थे कि खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बना के दे देना, और अपने पति को भेजी और अपने पति को किसी और लड़की के साथ भी देखी थी बात करते हुए, जिसके कारण आयशा काफी डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में होने के बाद झगड़े भी होता था घर में, और उसके माता पिता भी FIR दर्ज किए थे आरिफ खान के ऊपर दहेज प्रथा को लेकर। अब आयशा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आपको बता दें क्या आयशा को इंसाफ मिलेगा? अभी भी आयशा के केस का जांच चल रहा है। आप सभी को मैं बता दूं कि हाथरस केस में लड़की मांगी फिर से इंसाफ, आरोपी ने पीड़ित के पिता को गोली मार के की हत्या। ये केस 2018 का है। गाँव के लोग पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। कुछ गुंडों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, जिसका केस उसके पिता ने जाके पुलिस चौकी में FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज कराने के बाद उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करने के एक महीने बाद सभी को जमानत मिला। जमानत मिलने के बाद अब 2021 में दोनों फैमिली से मंदिर में हुई झगड़ा। लड़के का नाम गौरव शर्मा, जो मौका देखते ही पीड़ित के पिता को खेत में जाके गोली मार के की हत्या। क्या अब हाथरस केस में लड़की को फिर से मिलेगा इंसाफ? ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए यश टेडा न्यूज चैनल से। मैं रोशनी दुबे।